मेरा नाम रंजीत कुमार है। वर्ष 2018 में जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में मैं काउंसलर के पद पर था। वहाँ भी एनजीओ से 7 दत्तक ग्रहण चलता है शिशुओं का, अनाथ शिशुओं का। वहाँ बच्चे की मौतें हो रही थी। मौत का मूल कारण हमें पता चला कि ये सुपरविज़न नहीं करती थी। सुपरविज़न करने में त्रुटि मिलती थी तो एनजीओ वाले से अवैध राशि वसूलती थी, जिसके वजह से एनजीओ वाले का भी मनोबल बढ़ा हुआ था और बच्चे का देखरेख अच्छे से नहीं करते थे। वंदना गुप्ता बाल संरक्षण पदाधिकारी के पद पर वो थी नवादा में। हाँ, नवादा में। और ये पहले मैं औरंगाबाद में था। फरवरी 2018 में ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था, तो वहाँ भी न्यूज वाले जब लग गए तो डीएम साहब श्री कौशल कुमार जो थे तत्कालीन, उन पर जांच कमेटी गठन की है। तो हम लोग भी जांच टीम में गए, बहुत सारी अनियमितताएँ मिली एनजीओ में। तो वहाँ फिर पत्राचार समाज कल्याण विभाग से होने के बाद वो मान्यता रद्द हो गई और उन पर कार्रवाई हुई। अभी जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसके बाद जून 2018 में वंदना गुप्ता और उषा लता सिन्हा जी का दोनों का ट्रांसफ़र पटना में हो गया, जो अभी यहाँ है। यहाँ भी ये पैसे लेकर के लड़कों को मिलाती हैं, लड़के को मिलाती है। किस तरह से, मतलब बाहरी लड़के को जो लड़की से संपर्क में पहले से रहता था, जब प्रेमी कहिए या बॉयफ्रेंड कहिए, उन लोग से मिलाती है, इनका परिजन बनाकर किसी को भाई लिख देती है रजिस्टर में, किसी को मतलब भाई बहन जो भी है। किस मतलब आधार पे ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये इस आधार पे लगा रहे हैं क्योंकि वर्ष 2018 में अगस्त माह में अल्पावास गृह गया से एक लड़की को स्थानांतर किया गया था उत्तर रक्षा गृह पटना में। पटना से जब वो लड़की गया आई, हमारे संपर्क में थी पहले से, क्योंकि जिस एनजीओ में अल्पावास गृह चल रहा है उसमें हम काम कर चुके हैं। वो बताई हमारे कि ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा था, वहाँ हुआ था सितंबर माह में, वर्ष 2018 सितंबर माह में 10 से 16 सितंबर के बीच में किसी दिन रात्रि में दो लड़का चेहरे पे रुमाल बांध के अंदर घुसा था। दरवान ने पहले फोन आया दरवान पे, दरवान गेट खोलता है, लड़का अंदर घुसता है, कुछ लड़कियाँ आती है, अंदर भी लड़कियों का समूह है। एक समूह ये माजरा देख कर काफ़ी भड़क गए थे और बाहर लड़का घुसा ये वंदना गुप्ता की इजाज़त से घुसा था और वंदना गुप्ता के आदेश पे ही दरवान ने दरवाज़ा खोला था और अंदर एंट्री हुई थी। और परिसर में ही एक रूम ली हुई है, मतलब वंदना गुप्ता अपने लिए, अपने रहने के लिए रूम रखी हुई है। उसमें पहले से एक पुरुष एक महिला मौजूद था। लड़की लोग काफ़ी हंगामा जब करने लगी तो लड़का लोग भाग खड़ा हुआ और महिला पुरुष भी भाग गए। जब ज़्यादा मामला बढ़ा तो कोई बोल दे मेरे मम्मी पापा थे। और रूम से 2000 का नोट भी निकला था। ये सारी ये 9 से 11 बजे के बीच की घटना है, रात में। वंदना गुप्ता के साथ मैं तीन महीना काम किया। लड़का घुसने का बात है, कौन कहाँ की घटना है? ये घटना उत्तर रक्षा गृह पटना की है। गया से ट्रांसफ़र होकर जो लड़की आई थी पटना उत्तर रक्षा गृह में आई थी, जब वो गया रिलीज होकर अपने परिजन के पास गई तब वो मिली थी, तो हमसे हमें बताई थी ये सब घटना। बहुत जगह कंप्लेन किया? हाँ, बहुत जगह किए हैं। नवादा का मामला एक अलग किए हैं। नवादा का मामला है, ये अनलीगल तरीके से अनुपस्थित रहती थी और एडवांस में अटेंडेंस बनाई थी, कई बार शोकोज भी हुआ जिसकी जांच कराई जा सकती है। और आरोप ये है कि मेरा मतलब तबीयत खराब हो गई थी, एक माह का छुट्टी ले लिए थे। जब हम ज्वाइन करने गए थे तो इन पर पहले से शोकोज निकला हुआ था जिसका पत्रांग संख्या 180 था। और ये क्या किए है, लेटर रिसीव की है 180 और लेटर भी निकला है, ये निर्गत पंजी पर काट दी है। यही आवेदन दी है, और कुछ भी आरोप लगाए क्या? प्रधानमंत्री क्या तो अलग लगाए हैं, प्रधानमंत्री क्या यही लगाए हैं जो आपको बताएं। अभी 2018 का मामला, 2018 में ही आरोप लगाए हैं। उस पर समाज कल्याण विभाग से एक पत्र आता है मेरे पास, मुझसे शपथ पत्र और है ये जो अभी आरोप लगाया जा रहा है इन पे, इस तरह का आरोप आप पर्सनल काम कर रहे थे? हाँ इनका बिहेवियर सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। परवरिश योजना एक चलती है जिसमें अनाथ बच्चों का 1000 रुपये प्रति माह जाता है, उसमें ये पैसा नहीं भेजती थी खाता में। उनके परिजन दौड़ते दौड़ते थक जाते थे, जब आते थे तब तो आप आते हैं ऐसे आते हैं खाली हाथ, मिठाई लेकर आया कीजिए, ये लेकर आया कीजिए। अंतर जाती है, आप इनके साथ काम किए? नहीं, पटना में नहीं किए हैं। पटना की का बात बता रहे हो? हाँ, गया का जो बात बता रहे हैं, जो अल्पावास गृह गया में चल रही है ना, वहाँ से
डीएम गया के द्वारा स्थानांतर किया गया था उत्तर रचागिरी पटना के लिए। तो पटना में वो लड़की आई थी, मतलब होम में लड़की रही थी, रहने के बाद जब गया आई, तो गया आने के बाद वो घटना बताई, तो मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था ये सारी घटना है। क्या लिखा